हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कबड्डी के अवतार पर। दोस्तों आज जो हमने एक टॉपिक रखा है, समथिंग डिफरेंट टॉपिक फॉर टुडे। आप मान लीजिए हमने कॉमन वेल्थ पे एक वीडियो किया है, उसके बाद हम पार्ट टू डालने वाले थे, लेकिन उससे कई खास चीज 15 अगस्त यानी 15 अगस्त की कुछ खास बातें हैं जो हम आपके सामने आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, वो खास बातें क्या रहेंगी वो हम आज जानेंगे कि जो 15 अगस्त हुआ है 2022 का, इसमें कौन कौन सी चीजें खास रही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात जान लीजिए, ये 15 अगस्त जो सेलिब्रेट किया गया है ये किस नंबर का था। ठीक है, बहुत लोग डाउट हो रहे हैं, वो लोग 75वां कहते हैं, वो लोग 76वां कहते हैं, तो आपको बता दें जो ये 15 अगस्त रहा है 76वां यानी कि 76वां 15 अगस्त रहा है। ठीक है, 76वां 15 अगस्त रहा है, ये इसीलिए खास भी है। 75 साल पूरे हो चुके हैं अपनी अपने देश को आजाद हुए। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नवी बार लगातार लाल किले से संबोधित किया है। ठीक है दोस्तों, पहला तो 76वां है 15 अगस्त। ठीक, यानी स्वतंत्रता दिवस जो है वो 76वां स्वतंत्रता दिवस है। ठीक, क्षेत्रवा स्वतंत्रता दिवस है और नवीं बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से संबोधित किया है देशवासियों को। और एक चीज और खास बात मैं आपको बता दूं दोस्त, इनसे ज्यादा बार मोदी जी से ज्यादा बार किन प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भाषण दिया है, कौन से भी जान लेते हैं। लगातार अगर बात करें पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी 17 बार, ठीक है, इंदिरा गांधी जी 16 बार और मनमोहन सिंह जी 10 बार फहरा चुके हैं लाल किले पर। ठीक है, उनके बाद इनका नंबर है नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 9 बार तिरंगा फहराया है लाल किले से। और संबोधन में, मोदी जी के संबोधन में जो खास बात रही है वो भी हम आपको बताते हैं दोस्त। सबसे खास बात ये कि कितने समय का भाषण इनका रहा है, मोदी जी का जो कितने संबोधन जो किया है, संबोधन दिया है उसमें इन्होंने कितने घंटे लगातार बोला है। ये मान लीजिए 1 घंटे चौबीस मिनट लगभग, ठीक, ये 14 अगस्त रहा है। 14 अगस्त को भी एक दिन सेलिब्रेट करने का संकल्प लिया गया है, वो दिन किस नाम से मनाया जाएगा वो भी आप लोगों को बता दो दोस्त, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ये नया डे स्टार्ट होने वाला है जो कि हम लोगों को याद रखना होगा, ये करंट में सवाल पूछ, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ठीक, इसके बारे में आप जान लेते हैं कब से मनाया जा रहा है, ठीक, और इसका मोटो क्या है, ठीक है, किस उद्देश्य से मनाया जा रहा है, ठीक, ये हम लोग जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभाजन के दर्द को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया। इस दौरान बीजेपी ने देश भर में मौन मार्च का आयोजन भी किया। दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ
अन्य केंद्रीय मंत्री जैसे अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल और अन्य बीजेपी नेताओं ने विभाजन विस्तार स्मृति दिवस के अवसर पर मौन मार्च में भाग लिया। ठीक है, और ये भी जान लेते हैं, अब हर साल स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को यह दिन हर साल मनाया जाएगा। ठीक, 2021 से शुरू हुआ है, यानी कह सकते हो पिछले वाले इंडिपेंडेंस डे के एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 2021 से ये दिन मनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो इस साल जो कह सकते हो ये जो दिन था विभाजन विभीषिका दिवस, ये इस साल दूसरा था। ठीक है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर 14 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भारत सरकार का राजपत्र यानी कि गजट जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही गई यातना और वेदना का स्मरण दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित करती है। यह राजपत्र में लिखा है, तभी से यह दिन मनाया जाने लगा है। भारत अपने दूसरे विभीषिका स्मृति दिवस को याद कर रहा है। यह देश में एक राष्ट्रीय स्मारक दिवस है और जो भारत के विभाजन के दौरान पीड़ितों और लोगों के कष्टों को याद करता है। ये दिन कई भारतीयों विस्थापित हुए कई परिवारों और विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले कई लोगों की पीड़ा को भी याद दिलाता है। विशेष रूप से विभाजन में 10 से 20 लाख लोग विस्थापित हुए थे और लाखों लोग मारे गए थे। ठीक उन्हीं को याद करते हुए हम लोग ये दिन पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाएंगे। ठीक है, हर साल तब से 2021 में पहला हुआ था, 22 में दूसरा ये दिवस मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, जिन्हें 5 प्रण लिए हैं, ठीक इस 15 अगस्त में 5 प्रण लिए हैं, वो 5 प्रण भी हमें पता होना चाहिए। और दूसरी चीज, इन्होंने एक जय जवान एक नारा था, जय जवान जय किसान, उसमें अटल बिहारी जी ने जोड़ा था जय विज्ञान और इन्होंने जोड़ा है जय अनुसंधान। ठीक है, एक बार लिख के बता दे रहे हैं आपको, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। यह मोदी जी के द्वारा जोड़ा गया है जय अनुसंधान, जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा था। दोस्तों आज का वीडियो इतना रखते हैं और फिर हम लोग पढ़ाई की जो वीडियो और भी है आने वाले के भी, जो हमारा एग्जाम है पेट का एग्जाम आने वाला है और आरआरसी ग्रुप डी रेलवे का भी एग्जाम आने वाला है, तो हम लोग उसके प्रैक्टिस सेट भी करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे और जो करंट की चीजें हैं वो भी साथ ही साथ पढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि हर एग्जाम में पिछले 6 से 1 साल यानी 6 महीने से 1 साल का करंट अफेयर पूछा जा सकता है, वो चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देखा जाए या भी या फिर अगर ये कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर पूछे जा सकते हैं। ठीक, और आप कह सकते हो अवार्ड्स के बारे में पूछा जा सकता है, इन क्षेत्रों में भी हम लोग बात करते रहेंगे। और दूसरा बुक्स एंड ऑथर्स ये भी टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग वो भी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग जो भी पढ़ चुके हैं वो रिवाइज हो जाए या जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।